SC Verma solution, chapter 39, alternating current, question number 11. A resistor of resistance 100 ohm is connected to an AC source of E is equal to 12 sine 250 pi T. Find the energy dissipated as a heat during T is equal to 0 to T is equal to 1 millisecond. ओके तो अपने पास ये रजिस्टर है जो एसी सोर्स से लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जैसे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके अंदर हीट डेवलप होगा, रेजिस्टेंस गर्म होगा, हीट डेवलप होगा, तो वो हीट एनर्जी जो निकलेगी वो कितना होगा ये फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक, T इज इक्वल टू 0 टू 1 मिली सेकेंड, यानी इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूँ, 0 टू कैपिटल टी तक जाने में कितना एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगा ये अपने को फाइंड करना है। अब रेजिस्टेंस अपना कॉन्स्टेंट है लेकिन जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है क्योंकि ये एसी है, तो पोटेंशियल का जनरल जो इक्वेशन है वो क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, ओके, और दूसरा यहाँ पे ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपका पास 250 पाई, राइट। अब आपको हीट एनर्जी बोला है तो हीट एनर्जी का अपने पास सिंपल फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये अपन फॉर्मूला लेते हैं, राइट। तो आई की जगह अगर मेरे को वी की फॉर्म में निकालना है तो वी को मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट, आर टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर आर टी, ये अपने पास हीट का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो वी है वो वेरी कर रहा है, ये फॉर्मूला कब, जब ये सब चीज़ कांस्टेंट हो, वी वेरी कर रहा है, तो अपन यहाँ पे छोटा सा अगर एनर्जी निकाले किसी छोटे से टाइम के लिए तो अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर आर डी टी, राइट, और इसको इंटीग्रेट कर दे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू h, और इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी वन से टी टू, तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगा हीट की फॉर्म में, ओके। तो अब यहाँ पे वी कौन है, वी है अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, आर अपना कांस्टेंट है और ये डी टी है, और यहाँ जीरो अपने पास लिमिट क्या है, 0 टू t लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ गलत किया, हाँ स्क्वायर नहीं लगाया, ओके, बाकी सब सही है, ओके। तो ई नॉट और आर ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ई नॉट और आर ये कांस्टेंट है और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे साइन को कन्वर्ट करेंगे कोस के टर्म्स में, तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ओके, ये डी टी और लिमिट अपना 0 टू t, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 बाई 2 को भी अपन बाहर ले लेते हैं, तो अब ई का स्क्वायर बाई आर और ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, और 1 का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, ओके, और कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे, ओमेगा टी, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस 2 ओमेगा टी का, तो ये आएगा साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी वापस क्या है अपने पास, इसका डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन 2 ओमेगा आएगा, ओके, और ये 0 टू t। सोल्व करते हैं इसको, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 r, और ये आएगा अपने पास कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा, ओके, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, तो ये अपने पास हीट एनर्जी आ जाएगी। ई नोट कितना है, ई नोट है अपने पास 12 का स्क्वायर 144, और r कितना है 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, ओके, और t कितना है, t है अपने पास 1 मिली सेकेंड इन 10 की पावर माइनस 3, और ये साइन 2 ओमेगा, ओमेगा कितना है अपने पास 250 इंटू पाई, और ये टी कितना है 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा कितना है 250 पाई, ओके। इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 144 डिवाइडेड बाय 200, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, और ये कितना आएगा, देखो ये 500 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 0.5 इंटू 180 कितना होता है, ये पाई कितना है 180 है ना, देखो ये तो 500 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करेंगे तो 0.5 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 180 साइन 90 हो जाएगा, ये साइन 90, और ये कितना है, ये अपना क्या आ जाएगा 500 इंटू पाई कितना है 3.14, तो ये आएगा अपने पास 500 इंटू 3.14, ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 बाई 200, और 10 की पावर माइनस 3, और ये कितना 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1570, और ये 10 की पावर सही है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 144 200 और 10 की पावर माइनस 3, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.6
63964 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो 144200 और 10 की पावर माइनस 3 कॉमन लेके इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0.63 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.363 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 145/200 तो आएगा 0.72 इंटू 0.363 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा 0.26136 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.6136 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आपके पास हीट आ जाएगा। तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी क्या आ जाएगी, 2.6136 जूल इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल, हीट आपको हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा।